बिहारमध्ये रेल्वेच्या परीक्षांवरून सुरू झालेल्या आंदोलनाला प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशीच हिंसक वळण लाभलं। सलग तिसऱ्या दिवशी रेल्वेच्या परीक्षेवरून राज्यामध्ये गोंधळाची स्थिती पाहायला मिळाली। गयामध्ये तरुणांनी एका ट्रेनवर दगडफेक करत त्या ट्रेनला आग लावल्याचीही घटना घडली आणि याच प्रकरणी आता सोशल नेटवर्किंगवरून प्रसिद्ध झालेले खान सर आणि इतर काही संस्थांबरोबरच एकूण 400 जणांविरोधात पाटणा पोलिसांनी FIR दाखल केलेला आहे। बिहारमध्ये रेल्वे परीक्षांवरून विद्यार्थी आक्रमक झालेले आहेत। त्यांच्या आंदोलनाला प्रजासत्ताक दिनी हिंसक वळण मिळालं। सलग तिसऱ्या दिवशी रेल्वेच्या परीक्षेवरून बिहारमध्ये गोंधळाची स्थिती पाहायला मिळाली। काल ट्रेन जाळण्यात सुद्धा आली विद्यार्थ्यांकडून आणि त्या पार्श्वभूमीवर आता त्या संदर्भात 400 जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत। सोशल मीडियावरून प्रसिद्ध झालेले खान सर यांच्यासह इतर 400 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। ना कोई रोक पाएगा। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन एकदम सिंपल सा है। जो नोटिफिकेशन में RRB ने कहा था NTPC के लड़कों के लिए कि हम 20 गुना रिजल्ट देंगे, आप 20 गुना यूनिक नंबर दे देंगे, खत्म हो जाएगा। ग्रुप डी को कहे थे कि हम सिंगल एग्जाम लेंगे, सिंगल एग्जाम में चला जाएगा। बाकी 1.5 करोड़ लड़कों को अगर कोई उम्मीद करेगा कि एक शिक्षक, या शिक्षक कितने होते हैं, कम होते हैं, स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, एक माँ से पैदा हुए 4-5 लड़कों में अलग अलग भिन्नता आ जाती है। तो स्टूडेंट जो आते हैं अलग अलग गांव जिले से आते हैं, उनकी स्वभाव अलग अलग होते हैं, प्रोटेस्ट में भीड़ किसी का नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा आरा में जो घटना हुई स्टूडेंट ने किया वो गलत किया। हम स्टूडेंट को भी कहते हैं कि अगर इस तरह से काम करेंगे तो कोई भी शिक्षक आपके साथ नहीं रहेगा। हिंसा कहीं से भी स्वीकार नहीं है, ये गलत है।